नमस्कार, मेरे चैनल मीनू मारवाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हैं, वो एक खट्टा मीठा नींबू का अचार, जो गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में खाया जाता है। खासकर जब गर्मी का मौसम होता है तब हम ऑयली अचार खाना पसंद नहीं करते, उस टाइम ये बहुत ही अच्छा रहता है गर्मी के टाइम में नींबू का खट्टा मीठा अचार। और आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 99% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करें ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मैंने 2 किलो नींबू लिया है, इनको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है मैंने। और ये देखिए, इतने अच्छे नींबू लेने चाहिए हमें, ऐसे दाग धब्बे वाले नहीं लेने चाहिए, तो हमारा अचार साल दो साल ख़राब नहीं होगा। और ये मैंने 5-6 चम्मच नमक की ली है 2 किलो नींबू में। और ये हम आपको मैं ये बताती हूँ, इसको इस तरह से, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये साइड में रखिए, हम बीच में से आधा नींबू को काटेंगे, ऐसे खड़े में कट नहीं लगाएंगे। और इसका जूस निकालूंगी, जूस मैंने पहले से निकाल रखा है थोड़े से नींबूओं का। अब इसमें से भी एक कट और लगा देंगे, एक नींबू के 4 भाग कर लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से कट लगा लेंगे, जूस को अलग कर लेंगे और काट के इनको अलग कर लेंगे। आप चाहे तो चारों साइड एक तरफ से काट सकते हो, चारों हिस्सों को पहले ही काट लीजिए चाय से, और चाहे जूस निकालने के बाद में काट लीजिए। और जिससे हम नींबू का जूस निकालते हैं उससे भी ऐसे कट लगा के निकाल सकते हैं हम, चाय से आप हाथ से निकाल लीजिए, चाहे वो जूस निकालने वाली से निकाल लीजिए। और एक नींबू के हमें 4 भाग ही करने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे नींबू काट लिए हैं और इनके 4-4 भाग कर लिया है। और ये हमारा जूस है जो पूरे नींबूओं का निकला है। और इधर मैंने ये जार लिया है, डिब्बा लिया है, इसमें ये डाल दूंगी। और ये नमक भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इस तरह से कोई भी छन्नी ले लीजिए और उससे ये नींबू का जो जूस है छान के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी कचरा होगा, बीज वगैरह निकल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा कचरा निकल गया है। और इसके कॉटन के इस तरह से हम हिलाएंगे और कॉटन के कपड़े से मुंह पैक कर देंगे और इसको ढक देंगे इस तरह से कॉटन के कपड़े से। और इसको कम से कम 6-7 दिन हम धूप में रख देंगे, और बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन में इसको अलट पलट करते रहेंगे, धूप में चेक करते रहेंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर करते रहेंगे। और ये देखिए, हमारे अचार को 5-6 दिन हो गए हैं धूप में रखे हुए। और ये देखिए, ये हमारे नींबू अच्छे से गल चुके हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे गले हैं। ये देखिए, इस तरह से गल चुके हैं। अगर आपके पास कोई कांच का बर्नी हो तो वो ले लीजिए, कांच के बर्तन में ज़्यादा अच्छा रहता है, अचार सालों साल चलता है। और इधर मैंने ये कढ़ाई में 5-6 चम्मच पानी की ले लिए, मतलब आधा कप। और इसमें जितने हमारे नींबू थे उतने मैंने गुड़ डाल दिया है, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले हैं, तो जल्दी से बनेगी हमारी इसकी चाशनी। देखिए, हमारी गुड़ की चाशनी बन चुकी है, पूरा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। अब इसमें नींबू डाल देंगे, पूरे नींबू इसी में डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे चाशनी में। अब इनमें साथ में मसाले भी डाल देंगे। ये मैंने मसाले लिए, दालचीनी पाउडर है 1 चम्मच बड़ी वाली, काला नमक है 1-2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, सौंठ का पाउडर है, और ये काली मिर्च पाउडर है, और ये गरम मसाला है। ये हम अपने हिसाब से थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आप अजवाइन भी डाल दीजिए, इसी टाइम डाल दीजिए या बाद में डाल दीजिए, अगर आपको अजवाइन पसंद ना हो तो ना डालें। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें।
अजवाइन की एक या दो चम्मच डाल सकते हैं हम इसमें। अगर आपको पसंद नहीं है अजवाइन का फ्लेवर तो ना डालें। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 25 मिनट कम से कम लो आंच पे इसको पकाएंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, और ये देखिए ये जो लिक्विड सा है ये टाइट हो जाए बिल्कुल गुड़, तब तक पकाना है हमें। पकाते हुए 25 मिनट से थोड़े एक दो मिनट ऊपर हो गई है, और इस तरह से हमारा ये अचार बन चुका है और चाशनी बिल्कुल टाइट हो चुकी है। ये देखिए इसी तरीके का चाहिए हमें, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब गैस को कर देंगे ऑफ। ये देखिए कितने अच्छे से पक कर रेडी हुआ है हमारा अचार। और इधर मैं फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल की रख ली है मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए, और इसमें कुछ दाने मैंने हींग के डाल दिए हैं। और इधर मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, और 5-6 लौंग ली है, और थोड़ी सी दरदरी हींग ली है। अभी इसको पका लेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 1 मिनट या 2 मिनट लगेगी। इस तरह से हिलाते हुए पकाएंगे तो ये जलेगा नहीं। और इसका अचार पे तड़का लगा देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी अचार में। और इसको अच्छे से मिक्स करके 3-4 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर जार को अच्छे से साफ करके उसमें डाल के रख देंगे, तो 2 साल चलेगा हमारा नींबू का अचार। आपके पास अगर कांच का जार हो तो उसी में डालिए, कांच के जार में ख़राब नहीं होगा, प्लास्टिक के डिब्बे में ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमारा खट्टा मीठा गुड़ का नींबू का अचार बन के रेडी है, और आप सब भी इसे घर पर बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये अचार बनाया है तो कैसा बनाया, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।